उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि अफवाह ऐसी भी है कि पहले हिस्ट्री शीटर लोहा सिंह को गोलियों से मारा गया और उसके बाद हत्यारोपियों ने उसे धारदार हथियार से काट कर फेंकने का काम किया। जैसे ही ग्रामीणों को मामले की सूचना मिली तो स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मामला बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवारा गाँव से सामने आया है, जहां लोहा सिंह नाम के एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। आज शाम में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम लोहा सिंह है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है थाना कोतवाली नगर से, उसकी यहां पर डेड बॉडी है और इसे किसी ने मार के यहां पर फेंक दिया है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण और फील्ड यूनिट यहाँ पर मौके पर पहुँचे और घटना कुछ इस प्रकार की है कि जो मृतक है वो एक हिस्ट्री शीटर और एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। उसका उसकी पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था और इन लोगों के बीच में लगातार झगड़े चल रहे थे। इसी क्रम में इसके जो पत्नी के घर वाले हैं, इसकी पत्नी की मौसी का लड़का, उससे आज इसका विवाद हुआ और विवाद के क्रम में उन लोगों ने इसकी एक कुल्हाड़ी से इसकी हत्या कर दी। और आगे की जो है इसमें यहाँ पर डेड बॉडी को हम लोग आगे मॉर्चरी में भिजवा रहे हैं, FIR पंजीकृत कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मुलजिम को उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।